नहीं, अब राष्ट्राध्यक्ष जी का जो प्रशिक्षण शिविर में जो संबोधन हुआ उसमें सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को, खासतौर पे जो ब्लॉक लेवल के जितने अध्यक्ष लोग आए थे जिला से, उन सबको निर्देश किया है कि भाई जो अपनी पहचान होगी, हरा गमछा जो है आप लगाइए, घरों में या गाड़ियों में जो है राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगाइए, इससे लोग जो है पीपल विल रिकग्नाइज, लोग जो हैं इससे पहचानेंगे कि ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है, नेता है, तो लोग खुल करके जो है अपनी बात जो है, समस्या जो है उनको बता सकते हैं, लोगों में एक सोशल गैदरिंग में भी ये इफेक्टिव रहेगा। और इसका क्या महत्व है हरा रंग का या हरा गमछे का? क्योंकि नहीं, हरा तो हमारे तिरंगे में भी है और महत्व है हमारे लोगों का, तो सब लोगों का मानना है जो हमारी पार्टी की जो विचारधारा रही है, ये पार्टी की अगर पहचान है तो पार्टी की जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, शांति, अमन, चैन जो है, प्रोग्रेसिव, प्रगति, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी पहचान है राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्षी जो है, जो हमेशा आपको आरे हाथ लेने का काम करते हैं, वो फिर इसको कहीं पाकिस्तान का तिरंगा से भी नहीं, तिरंगा में जो है ऑलरेडी हरा झंडा जो है वो है ही, और किसी रंग से जो है मेरे ख्याल से इस पॉजिटिवली देखना चाहिए, ना कि नकारात्मक रूप में देखना चाहिए। किसी खास समुदाय से तो नहीं जोड़ के झंडा को? नहीं, उसमें कोई किसी समुदाय का कोई रंग है क्या? ये तो लोगों ने जो है भेदभाव के लिए, जो है भाईचारे को भंग करने के लिए, जो लोग अपनी बात करें, लेकिन कोई ना, अगर तिरंगा में हरा है तो क्या मतलब, क्या गलत प्रतीक है क्या? ऐसी बात तो है नहीं। टोपी और ये है, सब कार्यकर्ताओं को पहन के घूमना है सर, आज से आप लोग को देख रहे हैं सबके गले पे हरा हरा। ये हरा झंडा और लालटेन, ये तो हमारा प्रतीक जब से इस पार्टी का गठन हुआ तब से है। कल विशेष तौर से लालू जी ने इसके बारे में व्याख्या किया, ये पर्यावरण का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय झंडा कहता है हरा रंग है हरी हमारी, सादा है सच्चाई, तो ये तो राष्ट्रीय झंडा का ही प्रतीक है। जय जवान जय किसान, पूरे गांव में इलाकों में हरियाली रहेगी तो देश और राज खुशहाल रहेगा, तो ये पर्यावरण का प्रतीक है जिसको कि हम लोग मानते हैं।